बुंदेलखंड किसान यूनियन का निषाद पार्टी में हुआ विलय। इस बात की जानकारी आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बांदा आए हुए थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि किसानों की हालत बहुत दयनीय है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सभी लोग भाजपा का समर्थन करते हुए सरकार बनाएंगे और सरकार से किसानों के हित लिए कानून बनवाएंगे। तो मैं इनको ये आज कम से कम 5,000 लोग इकट्ठे हैं, आज निषाद पार्टी के साथ समर्थन देने आए हैं कि बुंदेलखंड किसान जो यूनियन है वो निषाद पार्टी के साथ रहेगा। 2022 में जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी है और जिन मुद्दों के लिए वहां निषाद पार्टी है, उसी के साथ किसानों के भी मुद्दे को, बुंदेलखंड के मुद्दे को शीर्ष नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर बनाने का कोशिश किया जाएगा। वह समर्थन दे रहे हैं और यहां एक स्वागत समारोह इन्होंने रखा है कि पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन अगर बन के आए डॉक्टर साहब, तो किसानों के लिए भी पॉलिटिकल गॉडफादर बने और उसकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाए। और एक आबादी है मछुआरों की, किसानों की, नौजवानों की, और सब मिलकर 2022 की सत्ता की चाबी।